एवरी वन, वेलकम टू बलविंदर लाइफ। आज हम डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन के बारे में कि अगर आपके पास ये पार्ट जो होगा ए बी सी डी, अगर हमारे पास ये ए बी सी डी एक स्केयर हो तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि इस शेडर रीजन का एरिया बताओ। तो अगर आपके पास ऐसा रैंडमली क्वेश्चन आएगा तो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो हम सारा कुछ इस क्वेश्चन के अंदर सीखने वाले हैं। और सबसे पहले अगर आपने ये वाला चैनल को ज्वाइन नहीं किया हुआ तो बलविंदर लाइव चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना और बाकी वीडियोस को चेक कर लो यहाँ पर आई बटन के ऊपर जाकर। वहाँ पर जाने के बाद आपको पता चलेगा कि हमने यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन भी अपडेट यो हैं आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, चाहे वो CGL के हों या SSC CPO के हों या फिर आपके CDS के लिए हों, तो आप सारे उन क्वेश्चनों को देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास ये वाला क्वेश्चन हो तो इसको हम किस अप्रोच के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, वो बेस्ट अप्रोच क्या होगी या फिर इसको हमें समझने का तरीका क्या होगा, वो हम यहाँ पे ट्राई करने वाले हैं। क्लियर, तो सबसे पहले आप क्या करो कि अगर आपके पास ए बी सी डी स्क्वायर की जो भी हमारे पास साइड हो, अगर मैं उस साइड को एक्स सेंटीमीटर का नाम दे दूँ तो बताओ इसका एरिया क्या होगा। एक बार आप इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करें, वीडियो को पॉज करो, खुद ट्राई करो, तो आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन एक नॉर्मल नहीं है, थोड़ा सा लेवल इस क्वेश्चन के अंदर जरूर है, बट अगर आप एक मेंसुरेशन 2D के ऊपर अच्छी कमांड रखते हो तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल बेसिक है। क्लियर, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को कैसे किया जा सकता है अब यहाँ पे समझते हैं। उसके लिए क्वेश्चन को करने के लिए आपको थोड़ा बहुत स्केयर के बारे में या फिर थोड़ा बहुत सर्कल के बारे में पता होना चाहिए। जैसे मैं स्केयर की बात क्या करूँगा, अगर मैं स्केयर के ऊपर यहाँ पर ए लिखूँ और ये भी इसकी साइड को ए लिखूँ, अगर मेरे पास ए वाला पार्ट को अगर मैं ऐसे मिला दूँ, यहाँ पर ध्यान रखो, अगर इसमें इस वाले पार्ट को मिला दूं, अगर डायगोनल को इसको मैं नंबरिंग कर देता हूं ए बी सी और डी, अगर मेरे पास स्केयर है, स्केयर की होने की वजह से ये एंगल 90 डिग्री होगा, सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, अगर यहां पर स्केयर के अंदर सारे एंगल 90 डिग्री होंगे, ये एंगल 90 डिग्री होगा, तो ए बी सी एक मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा जिसके अंदर मैं पाइथागोरस लगा सकता हूँ। पाइथागोरस क्या होती है, हमेशा 90 डिग्री के ओपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, ये वाला हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज का स्केयर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्केयर, मतलब बी सी का स्केयर प्लस बेस का स्केयर ए बी का स्केयर। तो यहाँ पर मैं ए सी जो हमारे पास है, ए सी का स्केयर किसके बराबर आएगा, यहाँ पर ए का स्केयर प्लस ए का स्केयर, और इसको मैं इनडायरेक्ट में लिखूँ तो ये आपके पास टू ऑफ ए स्केयर आएगा, किसकी वैल्यू, ए सी का स्केयर की वैल्यू टू ए स्केयर के बराबर आएगी। और यू कैन से कि ए सी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, यहाँ पर जब ये रूट स्केयर रूट करेंगे तो उधर जाके वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट हो जाएगा यहाँ पर रूट टू इंटू ए। क्लियर, यहाँ से और यहाँ पर स्केयर करोगे तो यहाँ पर ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट टू इंटू ए। आप इसको आगे से डायरेक्ट याद रखोगे, स्केयर की अगर साइड मेरे पास ए होगी तो इसका जो डायगोनल होगा वो क्या होगा, रूट टू ए होगा। क्लियर, आप इसको एक फॉर्मूला बना सकते हो, फॉर्मूला बना लो, या इसको कंसेप्ट बनाना चाहते हो कंसेप्ट बना लो, या अब आपके ऊपर है, बट इसको करने का ये तरीका है कि हमारे पास डायगोनल क्या होगा, रूट टू इंटू ए होगा। बाई चांस अगर इसकी साइड को मैं यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का नाम दे दूँ कि यहाँ पर स्केयर है उसकी साइड कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, तो ये वाली ए सी की लेंथ कितनी हो जाएगी, आप सीधा सीधा बोल दोगे रूट टू इंटू 4 हो जाएगी, यू कैन से 4√2। क्लियर, ये आपके पास मैंने बताया बेसिक इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू स्केयर जो इस क्वेश्चन के अंदर यूज करेंगे और इसी के हिसाब से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर मैं बात करूं हमारे पास ये सर्कल के बारे में, सर्कल के बारे में आपको सिर्फ एंड सिर्फ एक चीज पता होनी चाहिए कि सर्कल का अगर यहां पर इसका रेडियस मैं दे दूं इसको आर स्मॉल आर, तो इस सर्कल का एरिया क्या होगा, सर्कल का एरिया होगा पाई आर स्केयर। और अगर मैं यहाँ पे सेमी सर्कल कर दूं, सर्कल का हाफ कर दूं, तो इसको भी हाफ कर दोगे पाई आर स्केयर बाई 2। क्लियर कहानी, इतना सा आपको बेसिक पता होना चाहिए अगर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन के ऊपर दोबारा से चलते हैं, अगर यहाँ पर मैंने इसको एक्स सेंटीमीटर का नाम दे दिया था कि अगर मेरे पास, ध्यान से समझना इस चीज़ को, अगर मेरे पास ये वाली स्केयर जो है इसका एरिया क्या होगा एक्स सेंटीमीटर, और अगर मैं बी सी को भी यहाँ पर एक्स सेंटीमीटर मानूँ, तो आप सिंपल सी मुझे एक चीज़ बता के चलो, अगर मैं ए सी की लेंथ जानना चाहूँ क्योंकि ए बी सी स्केयर है, तो ए सी की लेंथ क्या होगी, रूट टू इंटू एक्स होगी। क्लियर कहानी, इतनी सी, इतना सा बेसिक आई होप आपको सबको समझ आ चुका। क्लियर, अब ध्यान से समझना की कोशिश करेंगे कि अगर मैं ये वाले एरिया की बात करूँ, ध्यान रखना जो एरिया की बात हो रही है ये वाला सेमी सर्कल है, इसके सेमी सर्कल के एरिया की बात करूंगा तो क्या आएगा, अगर मेरे पास ये बी सी की लेंथ मेरे पास पूरी एक्स सेंटीमीटर है, तो इसका रेडियस क्या होगा, इसका रेडियस हाफ होगा, इसका ये वाला रेडियस जो होगा एक्स बाय 2 होगा, तो इसका रेडियस अगर एक्स बाय 2 है तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया होगा पाई इंटू रेडियस का स्केयर। रेडियस कितना है इसका, ऑलरेडी हाफ है एक्स बाय 2 का स्केयर, और ये वाला पार्ट आपके पास इस पूरे सर्कल का एरिया आएगा, बट ये सेमी सर्कल है तो इसको डिवाइड बाय 2 भी करेंगे,
ऐसे वाले सर्कल कौन कौन है यहाँ पर, ये भी सर्कल है क्योंकि ये भी आपका 1 सेंटीमीटर से आएगा, ये भी आपके पास सेम सर्कल है, ये भी आपका 1 सेंटीमीटर आएगा, ये भी आपके पास 1 सेंटीमीटर आएगा, तो ऐसे टोटल 4 हो गए। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 4 से। क्लियर? ये मेरे पास ये जो शेडर रीजन आपको दिखाई दे रहा है ब्लू कलर के अंदर, ये आपका उतना उत्तर आ चुका है। अगर इसके अंदर मैं ये वाला पार्ट को चेक करूं कि अगर मैं इस यहाँ पर जो भी हमारे पास ये वाला पार्ट दिखाई दे रही है स्केयर, अगर मैं स्केयर को ऐड कर दूं, स्केयर का एरिया क्या होगा, साइड का स्केयर, साइड कितनी एक्स, तो एक्स का स्केयर, तो मैंने क्या किया यहाँ पर आपके पास ये वाला सभी पार्ट को ऐड कर दिया। अब आपको यहाँ सारा जितना क्वेश्चन दिख रहा है मैंने सारा का सारा यहाँ पे शेडर रीजन का एरिया बता दिया कि इतना इसका इतना उत्तर बनेगा, बट हमें जो सिर्फ रेड कलर का दिखाई दे रहा है हमने सिर्फ उसको फॉलो करना है। तो उसको फॉलो करने के लिए आपको अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि अब आप इसको कैसे समझोगे रेड कलर के जोन को समझने के लिए। ठीक है, तो पहले इसको मैं अरेज करवा देता हूँ। ओके, अब देखना रेड कलर वाले को कैसे निकालोगे। ये वाला पता चल गया आपको, ये एरिया किसका है, हमारे पास कंप्लीट का पूरे का पूरा पोर्शन का एरिया आ चुका है। अगर मैं ध्यान रखो, अगर मैं ये वाला सर्कल जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपको मैं मार्क ही करवा देता हूँ, ये वाला जो आपके पास सर्कल आपको अभी यहाँ पर मैं ब्लू कलर दिखा रहा हूँ, ये वाला सर्कल है, अगर ये वाला सर्कल का एरिया इस वाले पूरे पोर्शन से बाहर कर दूँ तो रेड जोन बचेगा या नहीं बचेगा। तो ये आपने समझना था क्वेश्चन के अंदर। अब ये रेड जोन निकालने के लिए मुझे ये सर्कल का एरिया चाहिए। सर्कल का एरिया तभी पता चलेगा अगर उसका रेडियस पता होगा। रेडियस नहीं पता बट एसी आपके पास उसी सर्कल का डायमीटर है जो कि स्क्वायर का क्या होगा, डायगोनल होगा। यही इस क्वेश्चन का कंसेप्ट है। और यहाँ पर आपके पास ये डायगोनल कितना है, और यहाँ पर आपके पास √2 × x, मतलब सर्कल का जो बड़ा सर्कल दिख रहा है उसका हमारे पास ये वाला पार्ट क्या होगा, √2 × x आपका डायमीटर होगा। तो इसको हाफ कर दोगे यहाँ पे तो √2 × x ये आपका डायमीटर है, इसको हाफ कर दोगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, रेडियस, रेडियस ऑफ दैट पार्ट, और इसका एरिया क्या होगा, π × r का स्केयर। तो पाई से मल्टीप्लाई कर दोगे और इसका स्केयर कर दोगे, ये आपका एरिया। अगर मैं इसको इसमें से माइनस कर दूंगा तो मेरे पास रेड जोन का उत्तर आ जाएगा। कहानी क्लियर हो रही है? आई होप आपको समझ आ चुका है ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं। अगर समझ आ चुका है तो वीडियो को जरूर लाइक किया करो और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ सेंड किया करो कि ऐसे वाले क्वेश्चन हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अभी देखो इसका शॉर्ट अप्रोच क्या बनने वाला है। शॉर्ट अप्रोच सिर्फ एक ही बनने वाला है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। पाई और ये आपके पास एक्स का स्केयर है, इसको ऐसे लिख देंगे एक्स का स्केयर, और ये आपके पास 2 इससे कट जाएगा, 2×10, और यहाँ पर ये 2 है, 2 का स्केयर कर दोगे ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 × 2, यहाँ पर ये इससे कट जाएगा 2 टाइम, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पर π/2 × x का स्केयर। कहानी क्लियर? आगे वाला पार्ट चेक करो, ये हमारे पास x का स्केयर ऐसे ही आता रहेगा, और ये वाला पार्ट इसको चेक कर लेते हैं, यहाँ पर पाई इज यहाँ पे √2 है, √2 का स्केयर करोगे क्या हो जाएगा 2, और x का स्केयर करोगे यहाँ पर x स्केयर, और 2 का स्केयर करोगे नीचे आएगा 4, यहाँ पर ये कट जाएगा 2×10। तो यहाँ पर आपको चेक करने को मिलेगा ये π/2 × x का स्केयर आ रहा है, मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू बिल्कुल बराबर आ रही है, तो ये वैल्यू कटेगी तो आपके पास सिर्फ यही उत्तर बन जाएगा x का स्केयर। और x का स्केयर हुआ क्या हमारे पास, जो हमारे पास ये स्केयर था उसी का एरिया हो गया। मतलब आगे से आपने याद रखना इस क्वेश्चन का, जो ये शेडर रीजन का एरिया होगा वो क्या होगा, वो स्केयर के एरिया के बराबर होगा। आई होप सबको ये वाली कंसेप्ट जो मैंने बताने की कोशिश किया वो समझ आ चुके हैं। अब मैं इसको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ ताकि आप इस चीज़ को लिख लो, कहीं पे नोट बना लो। अगर आपके पास ये शेडर रीजन का एरिया पूछ ले जाए, शेडर रीजन का एरिया पूछ ले जाए, वो किसके बराबर होगा, वो आपके पास जो स्केयर दिख रही है AB CD, इसके एरिया के बराबर होगा। कैसे होगा उसका प्रूफ मैंने अभी अभी दिया। क्या क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, मान लो AB की लेंथ आपके पास 8 सेंटीमीटर दे देंगे, वो 8 सेंटीमीटर पूछेंगे ये वाला शेडर रीजन का एरिया बताओ, तो शेडर रीजन का एरिया क्या होगा आपके पास, ABCD का एरिया, ABCD आपके पास स्केयर है, स्केयर का एरिया क्या होगा, साइड का स्केयर, तो 8 का स्केयर करोगे 64 सेंटीमीटर स्केयर, ये इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। क्लियर? और ये वाला हमारा आज का कंसेप्ट है, आप इसको नोट कर लेना कहीं पे। ऐसे क्वेश्चन अगर पेपर में आएंगे तो आप इसको आराम से बहुत जल्दी से कर पाओगे, और ये क्वेश्चन तब भी पॉसिबल है अगर आपने पेपर से पहले कभी ना कभी कर रखे। ठीक है, अगर आपको ये कंसेप्ट पता चल गया, इसका मैंने शॉर्टकट भी बता दिया, लॉन्ग मेथड शॉर्टकट आपने ये याद रखे हैं, लॉन्ग मेथड अभी XY वाला किया था। ठीक है, शॉर्टकट लॉन्ग मेथड दोनों को कंबाइन करके चलोगे तो पेपर में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर यही क्वेश्चन रिपीट हो गया तो आप सीधा शॉर्टकट लगा दोगे, अगर लॉन्ग मेथड आ गया, कोई नया क्वेश्चन बन के आ गया, तो आप उसको बना सकते हैं आराम से कि यार ऐसे ऐसे कंसेप्ट हमने सीखे हुए हैं तो इससे हम आसानी से कवर कर सकते हैं। क्लियर? अभी यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगी, प्लेलिस्ट के अंदर आप जाके बाकी क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर सकते हैं और बाकी क्वेश्चनों का भी प्रॉपर बेनिफिट ले सकते हैं। और इस चैनल को जरूर ज्वाइन करें और एक अपने फ्रेंड सर्कल से इस चैनल को जरूर ज्वाइन करवाएं ताकि आने वाले टाइम के अंदर यहाँ पर हम काफ़ी अच्छे लेवल के कॉन्टेंट, क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा सकें। क्लियर? तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट सेशन के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। ठीक, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।